अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आप सुनैना का किन्नर संस्कार करके किन्नर समाज में स्वागत करना चाहती हूँ, ये बात तो समझ आई। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आप उसकी माँ से झूठ क्यों बोली, क्यों मर चुकी है। शुभ काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। सुनैना किन्नर समाज को समझे, उसे अपनाए, इसके लिए ये जरूरी है कि उसकी माँ उसका पीछा छोड़े, वरना दोनों दुनिया में झूलती रहेगी वो, और ये जालिम दुनिया उसे जीने नहीं देगी। छोड़िए प्लीज, प्लीज हाथ छोड़ दीजिए हमारा, मैं अपनी माँ के पास जाना है प्लीज। सुनैना समझती क्यों नहीं है, अब यही तेरी दुनिया है। चल बच्चा, अब कुछ ही समय में तेरा किन्नर संस्कार हो जाएगा और तू अपनी असली दुनिया में किन्नर समाज में आ जाएगी। आखिरी बार अपने औरत वाले रूप को देख ले। नहीं, नहीं! नहीं बनना, मैं किन्नर नहीं करता, मैं कोई संस्कार हूं। हम तुम्हें किन्नर बना नहीं रहे, तो किन्नर पैदा हुई है बेटा, इसीलिए तुझे अपना रूप स्वीकारना होगा और यही रहना होगा। नहीं, छोड़ो छोड़ो, नहीं। ये जो आईने में दिख रही है ना, ये असली सुनैना सिंह, जिसे कुमुद सिंह ने 3 सालों की कैद में 21 साल तक दुनिया से छुपाकर पाला, पूरी दुनिया से छुपाकर रखा, पर उसकी पूरी दुनिया उस कमरे में लाकर रखती। वो सुनैना है जिसने कभी भी अपने कान्हा जी से कुछ सच्चे दिल से मांगा ना, तो कान्हा जी ने उसकी सुनी है। वही सुनैना जो कभी किसी मुसीबत में फंसी है ना, तो सबसे पहले उसके नमन जो उसके लिए आए हैं उसे बचाने। वही सुनैना सिंह जिससे नमन जी ने प्यार किया, जिसकी रमन जी ने भाग भरी उसके साथ रिश्ता जोड़ा और फिर तोड़ दिया। अकेला मरने के लिए छोड़ दिया और मुंह मोड़कर निगाहें भी फेर ली। आंखें भीगी हैं और गला सूखा है। सुनो, जरा शरबत पिलाओ इसे। देवी मैया कहाँ ढूंढने अपनी बच्ची को, कैसे ढूंढने, कोई कुछ भी तो नहीं बता रहा। सुनिए ना, किन्नर माँ कहाँ रहती है आपको पता होगा ना, वो हमारी बिटिया को यहाँ ले आई है, अब हमें बता दीजिए ना, कोई हमें कुछ नहीं बता रहा, बता दीजिए ना किन्नर माँ कहाँ है, हम कब से ढूंढ रहे हैं। अरे तुम जिसे ढूंढ रही हो तो तुम्हारे कोख से इसलिए जन्म लिया है ताकि वो हमारे पास आ सके, वो तुम्हारी नहीं हमारी बच्ची है और आज उसका किन्नर संस्कार है।
एक बार मिलना है हमको, हमको मिला दो, हम आपके हाथ जोड़ते। अरे तुमने जिसे जन्म दिया क्या तुम उसे किन्नर बनता हुआ देख पाओगी? अपना और उसका रिश्ता टूटता हुआ देख पाओगी? अरे ये मंजर एक भयानक ख्वाब जैसा है जो तुम्हें सोने नहीं देगा। चैन से जीना चाहती है तो चली जाए यहां से। हे देवी मैया हमारी मदद करो। हमें नहीं पीना। कहा ना ये पी लो, फिर जो कहोगे हम सब सुनेंगे। इस शरबत में दवाई मिलाई थी। आपको पता है गुरु मां किधर है? भगवान तेरी हर इच्छा पूरा करे। देखिए मुझे इस वक्त भगवान की मदद की नहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ आपकी मदद। आप मुझे बताइए आप यहीं रहती हैं ना? हाँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी किन्नर माँ कहाँ रहती हैं? वो मुझे उनके पास जाना है प्लीज। आप सीधा जाके पहला राइट गली ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। एक मदद किन्नर का बस्ती में कदम रखे तो समझो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आए। माता रानी अगर ये लड़का भला है तो इसको मदद कर देना। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि घबराने वाली बात है सुनहरी, रानी माँ घर आ रही है और ये चिट्ठी एक हफ्ते पहले की है। उसके हिसाब से रानी माँ आज ही घर आने वाली है। सबसे पहले अनमोल को उसके मायके भेज दो। और अगर गलती से भी रानी माँ पर अनमोल का पहला इंप्रेशन गलत पड़ गया तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें घर जाने दीजिए। प्लीज 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 छोड़ दीजिए। प्लीज 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 माँ। हमें घर जाना है, हमारे अपने घर जाना है। प्लीज। कहा ना इस समाज से बाहर ना कोई तेरा रिश्ता है ना कोई तेरा अपना। माँ का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि औलाद की झूठी गलतफहमी दूर करके सच्चाई का सामना कराना। बल से ही चाहे क्यों ना करना पड़े। अरे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारी बात सुन लो, छोड़ो हमारी बिटिया को। Ah!
जाइए। नमन, 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 नमन। देखिए, किन्नर है आपसा, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मैं बस अपनी सुनैना को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, वो भी बिना रुकावट में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरी सुनैना को वापस ले जाने दीजिए। छोड़ो सुनैना। अभी किन्नर का इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया है। कुमुदी कहाँ की तुम? माँ, माँ प्लीज आके खोलो माँ। माँ। कुमुद, कुमुद। माँ, प्लीज माँ आके खोलो। बीच में कहाँ आई? हमको बहुत दुख है कि आप बचेंगी नहीं, लेकिन आपके जाने के बाद भी हमारा इरादा बदलेगा नहीं। किन्नर औलाद हमारे हाथ आई मारेगी। भगवान, नौ बहुत धोखा, एक किन्नर हमारे घर की बहू रही है। नरेश सिंह, ये क्रियाक्रम की विधि कौन करेगा? हम करेंगे पंडित जी। नहीं, हमारी भाभी को खा गई,
भैया को अस्पताल भिजवा दिया और अंतिम कार्य तुम करोगे। एक बात याद रखना, ये जो क्रिया है ना, वो सिर्फ बेटा और पति करते हैं। हमारे भैया वहां मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए भाभी का छोटा भाई बनकर ये क्रिया हम करेंगे। प्रवेश जी, बेटी भी मुखाग्नि दे सकती। बेटी होगी तब ना, तू तो ना बेटा है ना बेटी। कछो नहीं लगती ये हमारे भैया और भाभी की, मनहूस है मनहूस। चाचा जी प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। माँ है हमारी, इकलौती इकलौती औलाद है उनके, प्लीज प्लीज हमसे उनके अंतिम संस्कार का मच्छी नहीं, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ते हैं चाचा जी, प्लीज प्लीज। सुने ना, शायद आपने सुनैना को खुद से अलग कर दिया होगा, लेकिन मैं अब भी उसका पति हूं और मैं उसके हक के लिए लड़ूंगा। ये लो, मम्मी जी को विदा करो। जिंदा है, अपना पत्नी को मुखाग्नि हमाओ देंगे। पति नहीं है आप इनके, पति नहीं है आप इनके हत्यारे हैं। हमारी माँ का अंतिम संस्कार करने का हक आप खो चुके हैं बाबू साहेब। हमारी माँ के खून से रंगे हो, उसे अपनी माँ के चिता के करीब ही नहीं आने देंगे, समझे आप? हमको बोले बताया तुम्हें अवॉइड, हमको नहीं नहीं भैया भैया समझ, हमको भैया समझ बताया अवॉइड। सुने ना, तुम क्रिया करें कि विधि पूरी करो।
सुनैना बिटिया। सुनैना बिटिया तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम ये मत समझना कि मुझे देखे जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई हो। अरे है ना, जिसे हमरे लिए हमारी पंकजा है, सिंबिया है, वैसे भी तुम भी हमारी बेटी हो। हम ना अपना ममता का आंचल में छिपा के रखेंगे, तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार देंगे। बस एक बार तुम घर चलो सुनैना, सारा हिसाब किताब करके बतला लेंगे हम तुमसे। वो काहे से कि अब कोई नहीं है तुमको बचाने वाला। चलो बिटिया अपना घर चलो, चलो। सुनैना का घर उसका ससुराल है और सुनैना मेरे साथ अपने घर वापस जाएगी।